फ्रेंड्स तो हनी पूरी रात परेशान रही है। ले बेटा खा के देख मम्मी ने आपके लिए बनाया। मेरे को सबसे पहले एंटीबायोटिक गोली देनी। वॉमिट किया वॉमिट। पापा आप हनी को कुछ दिलाए तो मुझे भी दिलाओ। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स नए दिन की शुरुआत हो गई है, बट रात से धुआनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको हाई फीवर था, मैं डॉक्टर के लेके गई, बट उसके फिर अब पेट में दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग भी रात को उसको 2-3 बजे बहुत ज़्यादा हुई। मैं पूरी रात नहीं सोई, उसके साथ बैठी रही हूँ, फिर तो मैंने उसको वॉमिटिंग की दवाई दी, उसके बाद वो सोई। चलो आप धुआनी को देखते हैं, आ जाओ। तो फ्रेंड्स धुआनी अब सो रही है, देखो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे हो रही है, बच्चे को इतनी तेज़ बुखार है। मैंने अभी डॉक्टर को भी कॉल किया सुबह, तो उन्होंने कहा वही दवाई रिपीट कर दो, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं इवनिंग में लेके जाऊंगी इसको। बट पूरी रात इसने वॉमिटिंग किया है फ्रेंड्स। उसके बाद इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने इसके लिए बारबी की मूवी लगाई एंड पापा इसके साथ खेले, तब जाके थोड़ा सा इसका माइंड डाइवर्ट हुआ और थोड़ा सा ही सोई है। बस आप सब प्रे करो ये जल्दी से सही हो जाए धुआनी ना। तो चलो मैं इसको उठाती हूँ और उसकी पसंद का कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ताकि कुछ ये खा ले। आप उठ जाओ, मैं आपके लिए क्या बना सकता हूँ, क्या खाओगे? उपमा बना दूँ? ठीक है चलो मैं उपमा बनाती हूँ, आप उठ जाओ ब्रश कर लो। ठीक है मैं ब्रश करा दूँ आपको, है चलो आओ मैं चलो ब्रश करा दूँ। फ्रेंड्स मैं चलो धुआनी को ब्रश कराती हूँ, इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मैं आपसे ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलती हूँ इसके साथ। तो फ्रेंड्स धुआनी उठ गई है। धुआनी आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। आप क्या करने जा रहे हो? पेंटिंग। तो फ्रेंड्स धुआनी पूरी रात परेशान रही है पेट दर्द की वजह से एंड उसको वॉमिटिंग भी काफी हुआ था। धुआनी आपका पेट का दर्द कैसा है? अब मीडियम है भी हल्का हल्का, तेज तो नहीं है? ठीक है तो डॉक्टर अंकल के शाम को चलेंगे। ठीक है तो ध्वनि अपने कलर्स निकाल रही है। ध्वनि आप पेंट कर रहे हो, कौन सी शीट पे कर रहे हो? कैनवस शीट पे। क्या बनाओगे आप? अच्छा सीन बनाओगे, ऊपर आसमान ट्री झोपड़ी ये सब बनाओगे, है ना? पूरा सीन बनाओगे। ठीक है तो फ्रेंड्स ध्वनि होप आई होप कि ये सही रहे और अपना कुछ खा पी ले और दवाइयाँ ले ले। दवाइयाँ लेने में बहुत तंग करती है मुझे, बट इसने प्रॉमिस किया है मम्मा आज मैं अच्छे से दवाई लूँगी, है ना ध्वनि? अच्छे से लेगी दवाई? हाँ यस। तो चलो आप पेंटिंग करो, कुछ तो अच्छा काम करो, आप अच्छे अच्छे बच्चे हो, अच्छे 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 काम। ठीक है ले बेटा खा कर देख मम्मी ने आपके लिए बनाया है। अच्छा है, खा लो मैं खिला रहा हूँ। ठीक है अच्छे से खा लो मेरा बच्चा, कल से कुछ नहीं खाया था मैंने। तो फ्रेंड्स अब धुआनी को आ गया दवाई देने का टाइम, तो चलो अब उसको मेरे को सबसे पहले एंटीबायोटिक गोली देनी है, तो देखते हैं वो लेती है नहीं लेती है, तंग करती है फ्रेंड्स दवाई लेने में। मम्मा क्या लाई, पानी लाई? बेटा डॉक्टर ने बच्चे कहा है कि धुआनी को इवनिंग में चेक करा जाना है और उसको ये दवाई कंटिन्यू करना है, और ये दवाई तो लेनी ही पड़ेगी आपको। देखो देखो फ्रेंड्स देख रहे हैं आपके, देखो देखो फ्रेंड्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स देखो ध्वनि कितने, इनको दिखाओ ध्वनि कैसे दवाई लेती है, ध्वनि कैसे लेगी। अच्छा इसको गोली को घोल ले, हम पहले गोली घोल ले। अच्छा पहले ध्वनि गोली को लेगी। देखो फ्रेंड्स दिखा दिखा यहाँ पे आके देख कैसे लेती है ध्वनि गोली, कैसे घोलती है गंदी। कभी कह रही है गंदी। तो चलो जल्दी से ध्वनि दवाई लेगी, चलो अभी हम इसको फटाफट से घोल देते हैं। बड़ा टफ टारगेट है, किस किस की मम्मियों का टफ टारगेट है दवाई देना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आउच। डॉक्टर अंकल ना रात को सुई लगा देगा वरना अगर दवाई नहीं ली तो, है ना अंकल ने बोला था? सुई लगवानी है या दवाई खानी है? मुझे लगवा दो, मुझे दवाई नहीं खानी। हो नहीं बेटा आपको सही होना है ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्वनि की दवाई भूल गई है, देखो गोली भूल गई है मतलब। तो अब हम ध्वनि को देते हैं, ध्वनि मम्मा आई अरे आ गई पीली ओ मान हाँ पियो ऐसे नहीं कीते अबे ऐसे ध्वनि देख जल्दी से देख 1 2 3 पी गई जल्दी से निकालो नहीं मुंह में से पलटो नहीं स्पून गोली किया ना पानी डालो जो गोली कर रहा है। अच्छा आपने नहीं निकाली ना नहीं। हाँ गुड गर्ल आपको सही होना है ना अच्छे से जल्दी से फाइनली ये टास्क कंप्लीट। अभी मुझे सिर्फ 4 मेडिसिन और देनी है। देखो फ्रेंड्स कितना टाइम लगता है एक मेडिसिन देने में इस लड़की को। तो फ्रेंड्स मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं और ध्वनि आज इतनी चिड़चिड़ी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि दवाई लेने में वो इतना तंग कर रही है, इतना इरिटेट कर रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो अब देखते हैं, वैसे उसका फीवर तो उतर गया था, एक बार मैं फिर से चेक करने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं उसका फीवर चेक कर कर आते हैं। ध्वनि आप क्या कर रहे हो? अच्छा आपको चाहिए, आप क्या करोगे? अच्छा चलो मैं आपका फीवर चेक कर लूँ एक बार। तो चलो थर्मामीटर निकाल लूँ। तो चलो थर्मामीटर निकालते हैं, ध्वनि का फीवर चेक करते हैं, ध्वनि को फीवर कितना है या नहीं है। भगवान करे इसको ना ही हो तो बेटर है। तो ध्वनि आओ। तो आपको नॉर्मल 36 आ रहा है, इट मींस हल्का फीवर है, बहुत कम है। हाँ उतर गया, एक बार यहाँ से भी चेक कर लूँ। और ये ऊपर करना, अपना हैंड ऊपर करो, ऐसे करो। हाँ तो ध्वनि का बुखार उतर गया है एंड अब चलते हैं डॉक्टर अंकल क्या कहते हैं इसको। और ध्वनि आपके पेट में दर्द है? मीडियम है, पेट में दर्द ये बता रही है। कल रात को इसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द था। ध्वनि रात से कम है ज्यादा है? कम है तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर रात जितना नहीं है कोई बात नहीं। चलो डॉक्टर अंकल अब उल्टी नहीं आ रही, ठीक है गुड गुड गुड। तो आप कुछ खा पी लो, और कुछ खाओगे? नहीं भूख नहीं, आज ये कुछ नहीं खा रही है। फ्रेंड्स आप बोलो ना ध्वनि कुछ खा ले प्लीज, ध्वनु प्लीज कुछ खा लो ना। तो चलो फ्रेंड्स मैं इसे कुछ खिलाती पिलाती हूँ और फिर शाम को इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। कुछ नहीं खाया है आपने? बताओ क्या खाया आपने? सिर्फ एप्पल की कितनी स्लाइस खाई है आपने? बस सिर्फ 2 स्लाइस। और उपमा कितना खाया आपने? 4 स्पून। उसके बाद कुछ नहीं खाया आपने? तो फ्रेंड्स चलो मैं इसे कुछ खिलाती हूँ और फिर शाम को डॉक्टर के पास इसको लेके जाती हूँ। तो फ्रेंड्स ध्वनि अब कर रही है बेटर फील। ध्वनि कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी अभी भी डाउन सी लग रही है। तो अभी हम डॉक्टर के यहाँ पे जा रहे हैं, उससे हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, वो डायग्नोस करके बताएगा कि इसका हाल कैसा है। तो ध्वनि आर यू रेडी? यस। तो चलो फटाफट चले, चलो चलो चलो। तो अब हम आ गए डॉक्टर के यहाँ पे। जल्दी से ध्वनि पी ले बेटा। हाँ एक ही चम्मच ले।
जिन्हें को इतनी टॉय से खेलने की उम्र रह गई है। अरे तुम दोनों बच्चों ने परेशान कर दिया, चलो तो अब हम आ गए हैं ध्वनि के लिए कुछ सामान लेने, क्योंकि ध्वनि घर पे बहुत ज्यादा रो रही थी। तो ध्वनि अंकल से मांगो आपको क्या चीज चाहिए। तेरे को भी दिलाए ना, तो तू बीमार हुई ना, तूने दवाई लेने के लिए मना किया, तेरे को तो कुछ बनता ही नहीं है। भैया इनके लिए ब्रशेस भी निकाल दो, हर तरीके की निकाल दो। बच्चे एक्चुअल में अपनी मम्मी पे गए हैं। ध्वनि देखो कौन कौन सी ब्रशेस चाहिए आपको, सबसे सस्ता कौन सा भैया इसमें? सबसे सस्ता ये वाला है और सबसे महंगा ये वाला है। तो सबसे सस्ता वाला दे दो, क्योंकि बच्चों को तो खराब ही करना है। ध्वनि जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तब हम करेंगे, ऐसे ही होता है। भैया आप ये वाला निकाल दो, भैया आप ये वाला निकाल दो, जब जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी तब हम इसको वाला दिला देंगे। ध्वनि हम आपकी बात मान रहे हैं, आपको भी हमारी बात माननी चाहिए ना। ये वाला दे दो भैया, ठीक है। और कुछ तो नहीं चाहिए किट? एक्टिविटी डी आई वाई टाइप की किट दिखा दो भैया आपने। ध्वनि सब बेकार बेकार चीजें है ना, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए ना। जिग्सॉ पजल 500 पीसेस। ध्वनि तू जिग्सॉ पजल ले ले, इसमें ताजमहल भी मिल जाएगा, लीनिंग वो पीसा मीनार है इसमें। ध्वनि बताओ, चलो ध्वनि चलो आओ, इधर रखो अपने टॉयज, और सबसे पहले अब दवाई लो। आपने प्रॉमिस की थी ना दवाई की, तो चलो सबसे पहले दवाई लेते हैं। गोली ले लो पे? आगे से तो नहीं करोगे ना ऐसा? नहीं पापा, वो तो मम्मा ने मुझे बहुत दिनों से कह रखा था कि वो मुझे कलर दिलाएंगे, तो इसलिए। अच्छा तो ये बात है फिर तो, सर मम्मी ने ठीक किया। खराब हो गए थे आजकल, हॉलीडे चल रही है ना, तो ध्वनि मैडम जी पेंटिंग करें। लेकिन ध्वनि को एक किट मिल गई है ना ध्वनि। चल गोली खाओ, ध्वनि अब गोली खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ ध्वनि। फ्रेंड देखो दवाई इसमें डिसॉल्व हो रही है, ध्वनि ज्यादा हाथ मत लगाओ, इसमें ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। मीठी मीठी है ना? बस मीठी मीठी है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी सी मीठी है। कब वेदा भी दे दूँ अब साथ में, है ना? ध्वनि तू तो अभी स्ट्रॉन्गर लोगे, मतलब दो दो दवाइयाँ एक साथ। ज़्यादा पानी मत पी बेटा एकदम। ध्वनि तो मीठी मीठी होती है। ये तो बहुत मीठी होती है। तो हनी है, हनी तो है ये। पीजा पीजा। हाँ कोई बात नहीं, पीजा। पीले पीले पीले। बस फिनिश। तो ध्वनि दवाइयाँ कंप्लीट। ध्वनि आप कुछ खेले? नींद आ रही है आपको? सोना है तो चल सो जा। चल।
तो फ्रेंड्स ध्वनि को आ रही है बहुत तेज नींद और मैं उसे सुला रही हूँ, और आप सब प्लीज ध्वनि के लिए प्रे करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।